सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी बंधुओं, सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि के महाराशिफल के बारे में, दिनांक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 जनवरी 2020 के लिए। बंधु, अगर आपकी राशि भी कर्क राशि है तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और कर्क राशि वाले सभी बंधुओं तक इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप कर्क राशि के वीडियोज़ रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल देशी भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह दिन खर्चीले साबित होंगे। पारिवारिक ज़रूरतों पर तो खर्च करेंगे ही, अचानक किसी परिजन या मित्र की बड़ी आर्थिक मदद करना पड़ सकती है। इन दिनों के मध्य में परिजनों से संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। मन में अनेक प्रकार की अनिश्चितता के कारण मानसिक बेचैनी रहेगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने क्रोध और वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो अपनों के साथ वाद विवाद की नौबत आ सकती है। सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से बचें, मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। आपको बता दें कि इन दिनों के पहले के दो दिनों में कर्क राशि के जातक एवं जातिका एक के बाद एक कई कामों को पूरा करने में संलग्न रहेंगे। फिल्म निर्माण, लेखन, संगीत, तकनीकी क्षेत्रों में किसी जानी मानी हस्ती से मिलने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि आपकी इस मुलाकात के कई मायने रहेंगे जिससे आप खुश रहेंगे। सेहत के मामलों में अच्छी प्रगति की स्थिति रहेगी। यदि कोई पीड़ाएं हैं तो उनके अंत होने की स्थिति रहेगी। इन दिनों के आगे के दो दिनों में आप तेजी से अपने कामों को पूरा करने में सक्रिय रहेंगे, जिससे निवेश व विदेश के कामों में तरक्की की स्थिति रहेगी। किंतु प्रेम संबंधों में साथी को समझने में कुछ और वक्त देना पड़ेगा। बात करें आपकी सेहत की तो कुछ ना कुछ परेशानी की स्थिति रहेगी। इन दिनों के अंतिम तीन दिनों में आप पुनः सामाजिक व राजनीतिक जीवन में अच्छी प्रगति अर्जित करेंगे, किंतु नौकरी के क्षेत्र में कुछ परेशानी का दौर रहेगा। तो बंधुओं, ये था वीडियो कर्क राशि के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशि वाले बंधुओं तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप रोजाना कर्क राशि के वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल देशी भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।